गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू एसेंट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज क्लास 6 SST। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो SST जो सब्जेक्ट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्ट्री, सेकंड जियोग्राफी एंड थर्ड सिविक्स, जो ट्रेडिशनल के बारे में और लो इंडियन रोल्स के बारे में इसमें बताते हैं। ये दी 8th जियोग्राफी में पेज नंबर 50 पे जाएंगे, जो कि चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करवा दिया लास्ट टाइम। ये सब्जेक्ट पेज नंबर 50 जियोग्राफी में आप जाएंगे, पेज नंबर थोड़ा गलत लगे हुए हैं बुक में। और ये जो चैप्टर था दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये चैप्टर मैंने आपको इसमें सन यहाँ तक मैंने आपको इसमें पढ़ा लिया था कि कौन कौन सा इसमें रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू टीच अबाउट दी सन। सन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सैटेलाइट मतलब क्या होता है? उपग्रह। और अर्थ का सैटेलाइट क्या हो गया? मून, सन। अब हम जो हेड ऑफ द फैमिली सोलर सिस्टम का जो है सन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे मैंने आपको बता दिया था, वापस से आपको मैं ये डिवीजन करा रहा हूँ। दी सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, कि किसका? सोलर फैमिली का ये हेड होता है। नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इट इज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके कुछ क्वालिटीज है जो आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर, लाइक ऑल स्टार्स द सन इज मेड अप ऑफ ए हॉट गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जैसा कि दूसरे सभी स्टार होते हैं, वैसे सन भी एक कुछ गैसेस से बने हुए होता है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से। ये दोनों गर्म गैसेज होती है, जिस वजह से ये गर्मी आती है। दी मूविंग क्लाउड ऑफ दिस गैसेज आर, और जो मूविंग जो क्लाउड ऑफ दिस गैसेज और उसके जो गैसेज होता है उसको क्या बोलते हैं? नेबुला। इट हैज सरफेस टेम्परेचर एट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सन का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? सरफेस टेम्परेचर इसका होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अर्थ पे कितना होता है? हमको 40 डिग्री के करीब आता है, तो कूलर एसी लगाना पड़ जाता है। अब आप सन का देखिए कितना, मतलब इतना ज़्यादा गर्म वहाँ पे होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ द प्रोसेस इन विच टू लाइट्स, न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन इज द फॉर्म ऑफ हैवली न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ द रेस्पॉन्सिबल ऑफ सन्स एनर्जी। अब ये जो न्यूक्लियर एटॉमिक जो भी होता है, परमाणु बम या परमाणु जो छोटे छोटे जो कण होते हैं जिससे एनर्जी होती है, वो किसके द्वारा बनती है? पर जैसे बोलते हैं ना एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, तो ये किसकी वजह से होती है? ये सन की एनर्जी से ये बम विकसित होते हैं। इसके रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? सन की एनर्जी। तीसरा, दी डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से सन का जो डिस्टेंस होता है दूरी, अर्थ से सन की दूरी कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। कितना? 150 मिलियन, करोड़ों में ये बताया गया है, 150 मिलियन किलोमीटर्स। ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसकी क्या स्पीड होती है पर सेकेंड? कितनी ट्रेवलिंग पे होता है इसकी लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसकी जो लाइट है वो अर्थ पे आती है। और कितना समय लगता है अर्थ पे आने में? इसको लगता है लगभग, दी लाइट फ्रॉम द सन टेक आउट 8 मिनट टू रीच टू द, 8 मिनट इसमें सिर्फ इसकी लाइट आने में 8 मिनट लगता है। हम कोई मोबाइल की टॉर्च करके कुछ कोई कितनी दूर रोशनी फेंकते हैं, कितना माइनर सेकंड में जाता है, जबकि सन की लाइट इतनी गर्म होती है। और अर्थ प्लैनेट्स में आने के लिए इसको कितना? सिर्फ 8 मिनट का समय
लगता है, और 8 मिनट का मतलब 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर की लाइट ये भेजती है, इतना समय इसमें लगता है। अब हम पढ़ेंगे दी प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको मैंने वापस से बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ सन के बारे में, और ये डायग्राम भी आपको पढ़ाना है। दी प्लैनेट्स, ए प्लैनेट इज द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे अर्थ, मरकरी वगैरह, ये क्या होता है, सन के चारों तरफ घूमते हैं, ये सन है, ये सन के रिवॉल्व्स करते हैं, क्या करते हैं, अराउंड द सन, रिसीव दैट द लाइट फ्रॉम इट, और उसके चारों तरफ घूमते हैं और क्या करते हैं, इसकी लाइट रहते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल इसमें सन के चारों तरफ, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व्स करते हैं। देर आर द 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अब सन से जो डिस्टेंस के हिसाब से आप देखोगे, इसके अंदर सबसे पहले कौन सा आता है, मरकरी, सबसे ज़्यादा सबसे पहले कौन सा नज़दीक है, मरकरी, मतलब जो सन से सबसे नज़दीक होगा तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ठंडा होगा या गर्म। जो अगर हम गैस के बिल्कुल पास में कुछ हाथ रखते हैं या और थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, नीचे हाथ रखा हुआ ज़्यादा गर्म होता है या ऊपर वाला, वैसे ही ये सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है, जो सबसे नज़दीक होता है, मरकरी सबसे ज़्यादा गर्म होता है, पारे जैसा, जिसको पारा भी बोलते हैं, टेम्परेचर ये होता है मरकरी। सेकंड नंबर वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये देखें, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एन इजी वे टू मेमोरी ऑफ द नेम इज द प्लेनेट इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन इज द, अब इसको याद कैसे किया जाता है, इसको याद करने के लिए एक आपको ट्रिक बताई गई है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स, क्या माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स, मेरी सबसे अच्छी जो मदर है वो क्या क्या करती है, हमको सर्व करती है। एम का मतलब, माय का मतलब एम, एम मतलब मरकरी, वी सबका पहला वर्ड आप देखिए, वी, वी मतलब वीनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मार्स, जे मतलब जुपिटर, एस मतलब सैटर्न, यू मतलब यूरेनस एंड एन मतलब नेपच्यून। ये इसको याद करने का एक फॉर्मूला होता है, इससे इससे याद होता है, ये एक ट्रिक होती है। माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सब के सब 8 प्लैनेट्स ग्रे जो किसके रिवॉल्व्स करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। ये जैसे ये आप देखिए, इसमें ये सैटर्न है, इसी तरह इसमें घूमता है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज एलिप्टिकल पाथ्स, एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अब ये इस तरह से पर्टिकुलर एक राउंड करते हैं, कक्षाएं, जिसको क्या बोलते हैं, क्लासेज या ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब एक पर्टिकुलर सर्किल, जैसे ये रिंग दिया गया है वैसे एक पर्टिकुलर एक्सिस पे घूमती है, उसको ऑर्बिट। वदी प्लैनेट आल्सो रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सेस, प्लैनेट भी अपनी तरफ गोल गोल घूमते हैं,
और गोल गोल घूमते घूमते क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ भी घूमते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ये अर्थ होता है इस तरह, ये अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। जैसे एक ये इस तरह से, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ये ऐसे घूमता है और ये घूमता घूमता सन के चारों तरफ भी घूमता है। दी प्लेनेट ऑल्सो रोटेड ऑन देयर ऑन एक्सेस एक्सेप्ट वीनस एंड उर्नस, ऑल अदर प्लेनेट्स रोटेड इन सेम डायरेक्शन इन विच दे रिवॉल्व्स। ये आपको पढ़ना है। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, यहाँ तक। नेक्स्ट सेशन में आपको इससे आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। और होमवर्क में आपको ये मैच द कॉलम और ये पुराने जो आपने अगर नहीं किए ये करने हैं, ट्रू और फाल्स। ये ए बी और सी, और ये मैच द कॉलम और ये आंसर आपको खुद को सर्च करने हैं। आधे के मेरे लिखे हुए हैं आंसर, पीछे वाले आपको सर्च करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।